नमस्कार दोस्तों, बर्मा इलेक्ट्रॉनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डेल्टा 4000 वाट रेक्टिफायर मॉड्यूल को बाईपास करके चलाना बताऊँगा दोस्तों, और उसको कनेक्शन करना भी आप लोगों को बताएँगे। और इसमें जो बूस्ट वोल्टेज और फ्लूट वोल्टेज निकलता है उस वोल्टेज को भी इस मॉड्यूल से निकाल करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें रेक्टिफायर मॉड्यूल का जो पिन वाला साइड है उसको राइट में रख लेना है, और सबसे ऊपर वाला पिन दोस्तों हमारा फेस है, बीच वाला न्यूट्रल है, और जो नीचे वाला पिन है ये हमारा अर्थ वाला पिन है, और इसके नीचे जो ये 8 छोटे छोटे पिन दिए गए हैं इसी से हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल कंट्रोल किया जाता है। और नीचे का ये जो 1, 2, 3 पिन दिख रहे हैं ये तीनों पिन हमारा प्लस सप्लाई है, और नीचे के जो 4 पिन दिख रहे हैं ये चारों हमारे माइनस सप्लाई हैं, जो रेक्टिफायर मॉड्यूल से आउटपुट होता है वो सप्लाई का पिन है। तो दोस्तों, इसी के कनेक्शन के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने ऊपर वाले पिन पर न्यूट्रल और फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, और मल्टीमीटर लेकर के मल्टीमीटर का दोनों प्रॉड प्लस और माइनस पे लगा देते हैं। जो प्लस और माइनस हमारा आउटपुट होगा 48 वोल्ट, उसके प्लस माइनस पे लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमें अब एक छोटा सा जम्पर वायर लेना है, और जो हम छोटे छोटे पिन दिख रहे हैं इस पिन से हमें बूस्ट और फ्लूट वोल्टेज निकालना है। ये जो छोटे छोटे पिन दिख रहे हैं इन्हीं से हमारा कनेक्शन करके हमें बूस्ट और फ्लूट वोल्टेज इसी पॉइंट से निकलते हैं, और इसी से हम आप लोगों को कनेक्शन करना बताएँगे। तो देखिए दोस्तों, जो नीचे का 8 पिन दिख रहे हैं इस पिन में जो दाहिने तरफ से पहला पिन है नीचे वाला वो हमारा कॉमन है, और उस पर हम एक जम्पर वायर जोड़ेंगे। दाहिने तरफ से जो नीचे वाला पिन है वो हमारा कॉमन है, उस पर हम जोड़ेंगे, और जो उसके ऊपर वाला पिन है वो हमारा बूस्ट वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमने कॉमन और बूस्ट पर कनेक्शन कर दिया है। बूस्ट पे दोस्तों हमें 56 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। देखिए, मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर में हमारा 56 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर में हमारा 56 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को फ्लूट वोल्टेज का भी कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, जो 53.5 वोल्ट निकलता है। इस कनेक्टर को हमें उपाड़ लेना है दोस्तों, कॉमन वाला उसी पे लगा रहने देना है, और जो बूस्ट वाला कनेक्शन हमने लगाया था उसको उपाड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारे मल्टीमीटर में वोल्टेज धीरे धीरे घट रहा है। इस वोल्टेज को दोस्तों हमें पहले डिस्चार्ज कर देना है अपने कंडेंसर को। रेक्टिफायर मॉड्यूल के अंदर जो एक कंडेंसर लगे होते हैं जो चार्ज हो जाते हैं तो धीरे धीरे वोल्टेज घटता है, उसको पहले हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। देखिए, एक बल्ब लगा करके हमें प्लस माइनस पे लगा देना है, और उसका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए, 0 वोल्टेज हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, जो हमने कनेक्शन उखाड़ा था उस कनेक्शन को हमें जो कॉमन वाला कनेक्शन है उसके लेफ्ट में लगा देना है, लेफ्ट वाले पिन पे लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्शन कॉमन और लेफ्ट वाले पिन पे लगा देना है। ये दोस्तों, ये हमारा फ्लूट वाला वोल्टेज का है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 53.4 वोल्ट सप्लाई निकाल रहा है, 53.4 वोल्ट सप्लाई हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल निकाल रहा है। तो दोस्तों, कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, आप लोग भी कनेक्शन करके अपने साइटों पे रेक्टिफायर मॉड्यूल, आपको जितनी वोल्ट की आवश्यकता है, 53 वोल्ट की आवश्यकता है तो 53 वोल्ट, और 56 वोल्ट की आवश्यकता है तो 56 वोल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, मल्टीमीटर में जो वोल्टेज दिखा रहा है वो माइनस में दिखा रहा है,
क्योंकि हमारा प्रॉड जो है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस लग गया है। मैं अपने मल्टीमीटर प्रॉड को अभी चेंज कर देता हूँ, जो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस दिखा रहा है वो सही हो जाए। तो दोस्तों मल्टीमीटर के प्रॉड को हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा 53.6 वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा फ्लूट वोल्टेज है, अभी मैं आप लोगों को बूस्ट वोल्टेज में भी दिखा देता हूँ कनेक्शन चेंज करके। तो देखिए दोस्तों, हमने अब बूस्ट वाले पे कनेक्शन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 56 वोल्ट आउटपुट निकाल रहा है। दोस्तों इस प्रकार कनेक्शन करके आप भी अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल से जितने वोल्ट की आवश्यकता है उतने वोल्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को आने वाले वीडियो में इमर्सन के बारे में भी कुछ बताएंगे, और डीजी बैटरी चार्जर का जो SMPS होता है उसके बारे में बताएंगे, और DC-DC जो कन्वर्टर होता है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।